बैजनाथ उपमंडल की पंचायत में पात्र व्यक्तियों को ही बीपीएल की सुविधा मिले, इसके लिए प्रशासन ने करीब 3 माह पहले एक सर्वे टीम बनाकर सभी पंचायतों के सर्वे का कार्य आरंभ किया था, लेकिन पहली किस्त के रूप में 11 पंचायतों की सर्वे रिपोर्ट में करीबन 70% लोगों को अपात्र मानकर बाहर कर दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में खुशी की लहर है। बैजनाथ एसडीएम विकास शुक्ला का ये मानना है कि उनका कार्य पात्र लोगों को जगह देना है, अपात्र लोगों को बाहर करना है। अभी 93 पंचायतों के सर्वे की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन जिस तरह से 11 पंचायतों के सर्वे में करीबन 70% परिवारों को, जो कि बीपीएल में शामिल होने के लिए नियमों को पूरा नहीं करते थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इस सर्वे में कुछ पंचायतें तो ऐसी सामने आई है जो कि साधन संपन्न है। प्रशासन ने 4 सदस्यीय टीम जिसमें पंचायत सचिव, पटवारी, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर व डिपो होल्डर को शामिल किया था, उन्होंने सर्वे किया। नियमों के अनुसार बीपीएल में उसी परिवार को शामिल किया जा सकता है जिसकी मासिक आय 2500 रुपए हो, घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी या फ्रिज तथा गाड़ी ना हो। सर्वे टीम ने इसके अलावा लैंड कितनी है या सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी आदि के आधार पर सर्वे किया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी अपात्र व्यक्ति निकले जो इन नियमों को पूरा नहीं करते थे। विकास शुक्ला ने बताया कि इस समय 64 पंचायतों के सर्वे में 11 की रिपोर्ट आई है। 11 पंचायतों में करीबन 1002 परिवारों में से 715 को बाहर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस तरह आंकड़े सामने आए हैं, उससे लगता है कि करीबन 60% लोग बाहर होंगे। 11 पंचायतों की सर्वे रिपोर्ट में कुछ परिवार ऐसे पाए गए जिनके पास मोटरसाइकिल्स लेकर 4 पहिया वाहन भी शामिल हैं। इन पंचायतों में 100 परिवार ऐसे हैं जो कि पात्र नहीं थे, क्योंकि उनके पास बसें व ट्रक के साथ साथ जीप भी हैं। इसीलिए प्रशासन की इस कार्रवाई से जो पात्र लोग इसमें शामिल नहीं थे, अब उनको मौका मिलेगा। अब बीपीएल में गलत इंक्लूजन के चलते हमारे को कई शिकायतें, सैकड़ों शिकायतें इनफैक्ट लगभग हर पंचायत से प्राप्त हुई। उसके बाद 3 हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स आते हैं, पंचरुखी, बैजनाथ और लंबा गांव। 3 डेवलपमेंट ब्लॉक्स और अपना फूड एंड सिविल सप्लाई और आंगनवाड़ी CDPO मिलके हमने एक कमेटी का निर्माण किया, जिसमें लोकल पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत का प्रधान, सॉरी पटवारी, सुपरवाइजर CDPO ऑफिस एंड एक लोकल डिपो होल्डर, ये चारों को हमने एंट्रस्ट किया कि आप जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे और हर बीपीएल के जो 7 मापदंड हैं, हमने 7 क्वालिफाइंग मापदंड बनाए थे, उन मापदंडों के हिसाब से घर का, ड्वेलिंग यूनिट का स्टेटस देखेंगे, कच्चा पक्का है, और लैंड होल्डिंग बताएंगे फैमिली की, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, व्हीकल कोई यूज करते हैं वो, और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और उनका इनकम आधार कार्ड से लिंक करके। तो हमने पाया कि इसमें काफ़ी अनियमितताएं थी, जो चुनाव हुआ था वो सही स्तर पर नहीं हुआ, और जो प्रीलिमिनरी एस्टिमेशन आ रहा है उस पर हमको लगता है कि लगभग 60% जो हैं बेनिफिशरीज जो गलत इंक्लूजन है या जिनका इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, अब उन्होंने पॉवर्टी थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर दिया है, ऐसे लोगों को निकालेंगे और एक स्पेशल कन्वीन की जाएगी ग्राम सभा, जिसमें जो बचे हुए गरीब हैं, जो रियल नीडी, जो बिल्कुल डाउन एंड आउट फैमिलीज हैं, उनको हम बीपीएल में ग्राम सभा के द्वारा चयनित किया जाएगा।